मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजू ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चुटकुले भी सुनाए। राजू श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने आज संसद भवन आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। राजू भाई, प्रधानमंत्री आजकल बहुत टेंशन में चल रहे हैं, संसद चल नहीं पा रही है, तो क्या उन्हें हंसाने की भी कोशिश की मुलाकात के दौरान? देखिए, वो तो मेरे नेचर में, मेरे आदत में है, मैं जहाँ भी बैठता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, उसको हंसाता जरूर है, तो प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ूं। तो मैंने मोदी जी को भी हंसाया तो बड़े प्रसन्न हुए। मैं टेलीविज़न में देखता रहता हूँ कितनी उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके अगेंस्ट कितना लोग बोलते हैं, कि उनको जवाब देना पड़ता है, फिर फ्लाइट पकड़ते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तो उनको हंसाना बहुत आवश्यक है, तो बहुत इंजॉय किया उन्होंने। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे ये भी कहा है कि बिहार चुनाव के दौरान आप कुछ समय पार्टी को भी दीजिए, पार्टी का प्रचार कीजिए। बिल्कुल, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं, जैसा कि सबको पता है, मोदी जी से प्रभावित हूँ और बीजेपी माइंड का आदमी हूँ, तो उन्होंने कहा कि और समय दे सकते हैं कि आप पार्टी को फुल फ्लैश आ जाइए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आपके हास्य के प्रोग्राम कम हों या कॉमेडी शो पे कोई आँच ना आए, तो वो भी करते रहिए और पार्टी को भी समय दीजिए। पीएम साहब को कोई किस्सा भी सुनाया जिससे उनके चेहरे पर हंसी आई? बिल्कुल, हमने उनको ये सुनाया कि लालू जी ने एक दिन बड़े गुस्से से कहा, अगर ये मोदी बिहार को अगर अलग राज्य का दर्जा नहीं देता है, अलग अगर विशेष पैकेज नहीं देता है, तो हम बिहार एक अलग देश बनाऊंगा, धुप बिहार कंट्री, और फिर बिहार सीधा अमेरिका से वार करेगा, बिहार लड़ाई करेगा अमेरिका से, बिहार का जब अमेरिका से युद्ध होगा तो बिहार का हारना निश्चित है, तो जब बिहार हारेगा तो अमेरिका बिहार को अपने में मिला लेगा, तो बिहार का तरक्की तो अपने आप हो जाएगा। हे, हमको नहीं चाहिए विशेष दर्जा, धन्यवाद राजू जी।